हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये जो तीन सेक्शन है उसमें से आज से हम इनऑर्गेनिक का एक नया और आपके लिए इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको ज्यादातर लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ओके? अब टाइटल जो उसमें कंपाउंड जो वर्ड है दैट इज कॉमन, लेकिन उसके आगे एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया है एंड दैट इज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो अब तक आपने केमिस्ट्री पढ़ा उसमें कहीं ना कहीं ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके सामने आए, लेकिन शायद आपको पता नहीं कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ओके? और आज का जो पूरा चैप्टर है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिलेटेड है, क्योंकि ज्यादातर फील्ड जो है हमारे उसमें ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ओके? ऐसे बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेचुरली भी आपको पता है, जैसे आपने नाम सुना होगा क्लोरोफिल, सबने सुना है। विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर, तो क्लोरोफिल जो है दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड विच इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम, ओके? अनदर इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दैट इज हीमोग्लोबिन, ये सब नेचुरल है। हीमोग्लोबिन भी आपको पता है उसका क्या रोल है हमारी बॉडी में, ओके? सो दैट इज ऑल्सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन। एंड थर्ड इज विटामिन B12 विच इज ऑल्सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। बाद में ये जो मेटलर्जी पूरा पार्ट है हमारा, उसका चैप्टर नंबर 6 है, उसमें भी बहुत जगह पे हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज किए हैं टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ओर, क्लियर? तो चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है दैट इज इंट्रोडक्शन, उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में लिखा है और ज्यादा डिटेल में इसकी जो एप्लीकेशन है कहां कहां पे किस फील्ड में यूज होता है वो जब चैप्टर आपका कंप्लीट होता है तो लास्ट जो हमारा टॉपिक रहता है दैट इज एप्लीकेशन, वहां भी हम पढ़ सकते हैं, ठीक है? आज ये चैप्टर का फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे में हम इंट्रोडक्शन नॉर्मली लेते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन भी थोड़ा जम के होना चाहिए, ओके? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहले मैं आपको लोग बता देता, ओके? कि चैप्टर में या तो आगे भी आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखा है, ठीक है? इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। मान लो कि आपने ऐसा एक स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं तो देखा होगा K4, बाद में ऐसा ब्रैकेट करते हैं FeCN6, एक एग्जांपल है, ज्यादा टेंशन मत लेना। ऐसा कंपाउंड आपने देखा होगा, ओके? मेटलर्जी की जहां तक हम बात करते हैं उसमें भी आपने शायद ऐसा कोई कंपाउंड देखा होगा NiCO4, ऐसा आपने देखा होगा। लीचिंग प्रोसेस में भी आपने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट वाले कंपाउंड कहीं ना कहीं देखे हैं, ये आपको पता होगा। इन शॉर्ट जहां जहां स्क्वायर ब्रैकेट वाले कंपाउंड आपके सामने आते हैं ऑल आर कोऑर्डिनेशन। और ऐसे दूसरे भी कंपाउंड है जिसमें आप स्क्वायर ब्रैकेट नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल KNO4 पोटेशियम परमैंगनेट आपने कर दिया फिर भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एक्चुअली ये स्ट्रक्चर ऐसा है, ओके? बाद में आपने ये भी सुना है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cl2O7, ये भी आपने देखा होगा, क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड अब तक आपके सामने आए हैं, इन ऑल आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्लियर? तो मैंने दो
एग्जांपल बना है। इन शॉर्ट स्क्वायर ब्रैकेट वाले जो कंपाउंड होते हैं उसको नॉर्मली ऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल सकते हैं या तो सिंपली यू कैन से कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये जो ऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो हमारी टेक्स्ट बुक में टोटल 4 कैटेगरी में आने वाले हैं। तो ये चारों कैटेगरी अभी मैं आपके दिमाग में सेट कर रहा हूं, तो अभी से क्लियर होना चाहिए। ओके, तो जो फर्स्ट कैटेगरी है इसको जनरल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं XN MNN, ये जनरल फॉर्म है, मतलब जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है वो पीछे है और x आगे है। एक्स क्या है, एम क्या है, एल क्या है, थोड़ा संबंध के बता दो बाद में। ओके, बी कैटेगरी, इन बी कैटेगरी सेकंड कैटेगरी उसमें ब्रैकेट आगे रहेगा MLN ब्रैकेट आगे और x पीछे। थर्ड कैटेगरी ओनली ब्रैकेट, सिंगल ब्रैकेट, यस नो x आगे पीछे कुछ भी नहीं। ओके, एंड फोर्थ वन टू ब्रैकेट, यस आगे भी MLN और यहां भी MLN, क्लियर। तो आपके सामने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आने वाले हैं उसका जो लुक है इस पैटर्न का रहेगा। इसमें x क्या है, m क्या है, l क्या है, उसको मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी क्लियर होना चाहिए, जैसे बोलते जाओ x n l n m l n x n m l n एंड टू ब्रैकेट ऑफ l n। तो ऐसे फोर कैटेगरी में आगे आपको कॉम्प्लेक्स या तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने हैं। ओके, बाद में सेकंड पॉइंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ इसका अच्छा रिलेशन है। देखो कैसे मैं दोनों को जोड़ रहा हूं, पर आप भी कंपेयर करना ऑर्गेनिक का जो जो पॉइंट्स पढ़ते हो वन बाय वन, वो सारे पॉइंट्स आप एक चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं। ओके, लेकिन सबसे पहले जैसे कि पिक्चर में दो कैरेक्टर फिक्स होते हैं, हीरो एंड हीरोइन, सबको पता है, क्लियर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे हमारा हीरो कौन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हीरो है कार्बन, ये सबको पता होना चाहिए। और कार्बन की जो वैलेंसी है दैट इज 4 एंड कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर एलिमेंट, और उसमें फर्स्ट जो बेसिक एलिमेंट है दैट इज हाइड्रोजन और उसकी फैमिली दैट इज हाइड्रोकार्बन, alkene alkene alkyne ring, और बाद में उसमें हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एंड वी हैव टू ऐड अनदर एलिमेंट लाइक हैलोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन लाइक दिस एंड फाइनली वी हैव 20 फैमिलीज ऑफ कार्बन, ठीक है ना। ओके, तो ऑर्गेनिक में कोई भी कंपाउंड आप ले लेना, ऑर्गेनिक का कोई भी कंपाउंड लेना, मिनिमम दो एलिमेंट आपको मिलेंगे दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन, और इसीलिए मैं उसको हीरो और हीरोइन बोल रहा हूं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है दैट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी क्लियर होना चाहिए। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जैसे ऑर्गेनिक में दो कैरेक्टर हमारे फिक्स होते हैं, वैसे ही एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भी दो कैरेक्टर मेन है। जो आपके सामने जो चार कैटेगरी में रखी है उसमें वो दो कैरेक्टर आपको मिलेंगे, और वो दो कैरेक्टर है वन दैट इज एम एंड अनदर दैट इज एल। कोई भी एग्जांपल, कोई भी कैटेगरी आप ले लो, विदाउट एम विदाउट एल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। तो उसमें एम एल क्या है वो आपको पहले क्लियर होना चाहिए, क्लियर। कोई भी आप ले लो, देखो फर्स्ट कैटेगरी में भी एम एल है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, एक्स कंपल्सरी नहीं है, एक्स हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। मेन पार्ट जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट, और वो बेस पे आपको फोकस करना है। ओके, तो सबसे पहले एम क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोई भी एग्जांपल आप ले लो, जैसे सारे एग्जांपल आपके सामने है। अब इसमें मुझे बता एम कहां पे है, तो ये जो एफ है दैट इज एन निकल एन एम एन हो गया एन एम दैट इज मेटल, यस ये जो एम है दैट इज मेटल। अब मेटल तो बहुत है, अल्कल मेटल भी है, फर्स्ट ग्रुप
सामने रखते हैं वो सारे मेटल एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप के मेंबर नहीं है, ये सब ट्रांजिशन मेटल है। एंड ट्रांजिशन मेटल बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। ओके, तो ए जो एम है दैट इज ट्रांजिशन ए मेटल क्लियर होना चाहिए। ओके, और ट्रांजिशन मेटल का जो लोकेशन है वो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें डी ब्लॉक है। और इसीलिए चैप्टर नंबर 8 जो है इसके आगे वाला चैप्टर 8 है वो डी ब्लॉक है। तो आइडियली पहले डी ब्लॉक पढ़ना चाहिए उसके बाद ये चैप्टर पढ़ना चाहिए, लेकिन कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, फिर भी थोड़ा बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में जो हीरो है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लियर, तो सबसे पहले हम एम के बारे में आपको पढ़ने वाले हैं। एम एग्जैक्टली क्या है? एम दैट इज अ ट्रांजिशन मेटल, एंड ट्रांजिशन मेटल belongs to D block। Okay? तो सबसे पहले आपको D block periodic table में कहाँ पे है वो भी clear होना चाहिए। तो सबको इतना तो पता है, clear हो चुका हमने पूरा chapter पढ़ लिया periodic property basic। Okay? उसमें आपको पता होना चाहिए location of D block that is between S and P। Okay? पूरा जो हमारा periodic table है उसमें S और P के बीच में हमारा D block। S ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप आते हैं आपको पता है, और P ब्लॉक स्टार्ट होता है 13 ग्रुप्स से, तो बीच में 3 टू 12 जो है वो पूरा D ब्लॉक है। तो D ब्लॉक है वो S और P के बीच में है। इसका मीनिंग होता है सम प्रॉपर्टीज ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट लाइक S एंड सम प्रॉपर्टी लाइक P। जैसे स्टैंडर्ड 11 वो 10th और 12th के बीच में आता है। पुरानी जो हमारी मेथड थी नहीं क्या होगा वो पता नहीं, 10th में बोर्ड की एग्जाम होती है, 12th में भी बोर्ड की एग्जाम होती है, 11th में नहीं हो रही है। तो 11th जो है दैट इज लाइक ट्रांजिशन स्टैंडर्ड बिटवीन टू बोर्ड एग्जाम 10th एंड 12th। तो 11th में जो बच्चे होते हैं उनके पास उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उनका नेचर होता है वो 50-50 होता है, थोड़ा 10th का भी होता है थोड़ा 12th का भी। वैसे ही डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उसको ट्रांजिशन एलिमेंट इसीलिए बोलते हैं। ओके, और ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है डी ब्लॉक है उसको हम 4 सीरीज में डिवाइड करते हैं। वो डिटेल में तो चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लेकिन सीरीज जो है टोटल 4 है, फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज और फोर्थ सीरीज। क्लियर, और ये जो हमारा पूरा चैप्टर है उसमें ज्यादातर आप देखना जो भी ट्रांजिशन मेटल के एलिमेंट होंगे वो ज्यादातर फर्स्ट सीरीज के हैं। तो सबसे पहले आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमें डी ब्लॉक में जो ट्रांजिशन की फर्स्ट सीरीज है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है उनके नेम, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये सब पहले आपको आना चाहिए। ओके, तो आज हम वहां से स्टार्ट करते हैं, इसका एक पूरा करना चाहिए। तो आज का जो लेक्चर है उसमें सबसे पहले हम डी ब्लॉक में जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज डी ब्लॉक में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज उसके बारे में बता रहा हूँ, दैट इज 21 to 30। और मैंने आपको ये बात नहीं बता दिया था पूरा केमिस्ट्री के पास 1 to 30 तक के जो एलिमेंट है उनके नेम, उनका सिंबल और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको आना ही चाहिए। ओके, तो ए चैप्टर में जो रिक्वायरमेंट है 21 से लेके 30 तक के एलिमेंट की। तो सबसे पहले 21, तो 21 नंबर जो है सबको पता होना चाहिए 21 नंबर जो होता है वो स्कैंडियम है। ओके, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो हमारे बॉक्स पैटर्न की उसकी बात कर रहा हूं उसमें आर्गन कंप्लीट आर्गन लिखा इसका मीनिंग हुआ 18 इलेक्ट्रॉन आपने लिख दिए। ओके, अब आर्गन के बाद इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर होता है? सो एक्चुअली आर्गन के बाद तो 3d होता है, लेकिन 3d की जगह इलेक्ट्रॉन पहले 4s में आता है। आर्गन के पीछे पैटर्न ऐसी है एक्चुअली 3d 4s 4p और 4d तक मैंने लिखा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू स्क्रीनिंग इफेक्ट सेंटिंग इफेक्ट
जो 19 नंबर का इलेक्ट्रॉन है, 18 तो यहाँ पे आ गए, 19 नंबर का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लोरेसेंस आ रहा है। रीजन वो सब चैप्टर में आगे आपने देख लिया है। चलो 19 का यहाँ पे आएगा, 20 का भी यहाँ पे आएगा, तो 4s2 हो गया। s की कैपेसिटी दो इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करने की है, तो 18 कंप्लीट, 18 के बाद 20 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है 3d1 में। मतलब यहाँ से डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एंट्री स्टार्ट हो गई है और इसीलिए डी ब्लॉक 21 से स्टार्ट होता है। ओके 4p और 4d1 की इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब अभी में 0 0 है। क्लियर? तो ये स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया। तो इसके बाद 22 दैट इज टिटेनियम। टिटेनियम में भी सेम पैटर्न, आर्गन कंप्लीट। अब यहां में एक काम पहले 4s2 ऐसे मेटल ऐसे लेना चाहिए, 4s2 देन 3d2, 4p4d भी लिखता है, ठीक है। ओके 23 दैट इज हमारा आर्गन, आर्गन कंप्लीट देन 4s2 एंड 3d3। उसके बाद 24 दैट इज क्रोमियम। क्रोमियम में आपको पता है आइडियली हम ऐसा लिखते हैं 4s2 और 3d4 लिखते हैं। ब्रिलियम बोलते हैं क्रोमियम के आगे आपको पता है स्टार किया है, क्यों किया है? बिकॉज स्टेबिलिटी, d5 d10 हाफ फिल फुली ऑक्यूपाइड, तो यहां पे d4 है, तो ऑब्वियसली क्रोमियम चांस लेगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन जो 4s में है उसको 3d में डाल देगा। और इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ओके तो यहां पे 4s1 हो जाएगा और 3d क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इसलिए हमने स्टार्ट किया था 11। नाउ 25 नंबर जो है दैट इज मैंगनीज, इसमें भी आर्गन कंप्लीट देन 4s2 20 और 3d5। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात बता दिया जा रहा, ज्यादातर स्टूडेंट के दिमाग में 3d5 मतलब क्रोमियम सोचते हैं, तो याद रखना 3d5 वाले एक नहीं दो है, Mn itself is a 3d5, आइडियल वो 3d5 ही है, तो 3d5 वाले दो याद रखो, रेगुलर एंड इरेगुलर। ये जो मैग्नेटिक है तो रेगुलर d5 का आ रहा है अकॉर्डिंग टू पैटर्न, ये इरेगुलर है, ये बाद में आया, तो ये भी क्लियर हो जाए। ओके इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो 26 तो 26 में कौन आएगा, एफके, सबको पता होना चाहिए सीक्वेंस, देन 4s2 3d6 27 दैट इज कोबाल्ट, आर्गन कंप्लीट 4s2 3d7 देन 28 दैट इज निकल, आर्गन कंप्लीट 4s2 3d8 29 That is copper, और copper में भी वो copper मार रहा है, तो पता है ideally copper क्या होना चाहिए, 3d9 होना चाहिए, तो copper भी यहाँ पे chance ले रहा है chromium की तरह, और एक electron यहाँ से इधर आ जाता है। okay the last one that is zinc, okay 4s2 और 3d10 2d10 वाले भी दो हैं, it means एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने से पहले आपके पास 21 से 30 तक के जो भी एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपका पहले परफेक्ट होना चाहिए। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको आना ही चाहिए। दूसरी बात, 4s के बाद कौन सा ऑर्बिटल है सीक्वेंस में वो भी आपको पता होना चाहिए, तो 4s के बाद कौन है, 4p और 4d है, वो भी आप माइंड सेट करके थोड़ा रखना। ये फर्स्ट सीरीज की बात है, सेकंड सीरीज जब यहाँ पे आएगी तो उसमें आर्गन की जगह यहाँ पे क्रिप्टॉन आ जाएगा। ओके यहाँ पे हो जाएगा 5s2 और 4d1, क्लियर, 4d1 4d2 4d3 लाइक दिस। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज उसमें 5d हो जाएगा और यहाँ पे 6s हो जाएगा, इस केस पे पूरा डिप्लॉक का सेटअप है। अभी हमें सभी सेटअप की जरूरत नहीं है, वी आर इंटरेस्टेड ओनली फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट फ्रॉम 21 टू 30।
ओके तो सबके नेम क्लियर होने चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन आपको आना ही चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो मेन कैरेक्टर है, जो हीरो है, वो एक ट्रांजिशन मैटर है। हीरोइन बाद में, पहले हीरो की पूरा डिटेल आपके पास होनी चाहिए। ओके दूसरी बात एक्स्ट्रा आगे ले जाओ, जब भी उसके सामने हीरोइन की एंट्री होगी, हीरोइन मतलब एल, एल क्या बाद में बताऊंगा अभी ना, लेकिन जब उसकी एंट्री होती है तो हीरो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड। यस, जैसे नॉर्मली वैसे बोलते हैं, तो यहां भी ऐसा होगा, तो ट्रांजिशन के एलिमेंट है, मेटल है, वो भी एक्साइटेड होंगे, और एक्साइट होने के बाद वो क्या करते हैं, वो एल जो है उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि हमें ऑर्बिटल वैकेंट होनी चाहिए, जितना हो सके उतना उसका ऑर्बिटल वैकेंट होनी चाहिए। उसका रीजन है जो एल है वो इलेक्ट्रॉन लेके आता है, और एक इलेक्ट्रॉन नहीं वो न्यू पेयर लेके आता है, तो यहाँ पे ऑर्बिटल वैकेंट होनी चाहिए और इसके पास जगह होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाइड करने के लिए, और इसके लिए ट्रांजिशन में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और बेसिकली मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये जो ट्रांजिशन मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है वो भी मेटल का है, तो आपके पास आयन का भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल Fe का कॉन्फिगरेशन आपके पास है, सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला निकाल देना। ओके चलो मान लो कि Fe प्लस टू है, ऐसा मान लेते हैं, इसका मीनिंग क्या होगा, Fe में से दो इलेक्ट्रॉन गए, अब कहाँ गए बेसिक मेटल वो बोल दो, क्वेश्चन इज वो दो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, तो ज्यादा कुछ होते हैं हमें गलती कर देते हैं, वो ऐसा सोचते हैं पहले इलेक्ट्रॉन फोरेस में आए थे, बाद में थ्रीडी में आए थे, तो ऑब्वियसली पहले थ्रीडी में से जाने चाहिए। एंट्री और एग्जिट दोनों के जो रूल्स होते हैं दैट इज टोटली डिफरेंट। ओके तो इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो वहां पर कॉन्सेप्ट क्या आता है, डिस्टेंस, कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, एंड दैट इज डिसाइडेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है तो यहां पे कौन सा क्वांटम नंबर नजदीक है, तो ए एन इक्वल टू 3 है और एन इक्वल टू 4 है, सो एन इक्वल टू 4 दैट इज अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, तो फोर्थ वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4s ऑर्बिटल हैज लेस अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा। क्लियर, तो प्लस टू मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, तो ए कॉन्फिगरेशन हो गया Fe2+, इसका मीनिंग हुआ ऑलरेडी 4p और 4d तो पहले वैकेंट थे, ऐसा जा रही है, लेकिन प्लस टू होने से 4s भी वैकेंट हो गया, और ऐसा क्यों हो रहा है, जो गैस आने वाला है जिसको L बोलते हैं, L L का आइडेंटिफाई नहीं किया बताऊंगा मैं, जस्ट वेट, जो L आ रहा है वो उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि M के पास जो ऑर्बिटल है वो जितना हो सके वो वैकेंट होनी चाहिए, और उसके लिए मेटल आयन में कन्वर्ट होता है पॉजिटिव आयन में। क्लियर, तो Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी आपको आना चाहिए। मान लो कि 3+ है, तो अभी भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो वो कहां से जाएगा, डी में से जाएगा, ये हो जाएगा हमारा D5 हो जाएगा। इट मींस आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का नॉलेज होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो पहले कहां पे आएंगे, जाएंगे तो कहां से जाएंगे, एंट्री एग्जिट बोथ कॉन्सेप्ट आर टोटली डिफरेंट। ठीक है, मान लो कि कोबाल्ट है, कोबाल्ट में चलो हमने 3+ कर दिया, तो एक साथ हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो कहां से निकालेंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन 4s में से निकलेंगे, तो 4s में जाएगा आपका 0 और 1 यहां से। क्लियर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन शुड बी क्लियर। मैंने 11 में ही आपको बता दिया था फर्स्ट टू 30 तक के एलिमेंट है कि नेम और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो केमिस्ट्री है ऑक्सीजन,
HNO3 कोई भी आप ले लो, H3PO4 कोई भी कंपाउंड आप ले लो, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का कोई भी कंपाउंड आप ले लो, इसके लिए कर दो कोऑर्डिनेशन, उसमें जो भी एलिमेंट उसमें इन्वॉल्व होंगे वो 1 टू 30 तक के ही होंगे, और इसीलिए आपके पास 1 टू 30 का पूरा लिस्ट सीक्वेंस में विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, तो आज का जो लेक्चर था उसमें मेन फोकस मैंने हीरो पे किया है, एंड हीरो दैट इज ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक, ओके, और ये पूरा लिस्ट है आप देख लेना। तो आज का जो लेक्चर था उसमें मुझे बस ये आपको बताना था, सभी स्टूडेंट को 1 टू 30 मैं बोल रहा हूँ उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्लियर होना चाहिए, साथ में जब वो आयन में कन्वर्ट होते हैं तब इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा वो भी क्लियर होना चाहिए। आयन में कन्वर्ट क्यों होते हैं वो सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ओके, वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दो कैरेक्टर याद रखो, एम और एल। नेक्स्ट लेक्चर में ये जो एल है उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, ओके, और एम और एल का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे डिफाइन करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में पूरा हीरो क्या है, हीरोइन क्या है, उनके बीच में कैसा रिलेशन है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको आइडिया देने वाला हूँ, ठीक है।